पागल आदमी। ए एक बार देखे छे बस हट जाओ यहां से, दिमाग ना खराब करो। हम बोलते नहीं, सो के उठे हैं ना, इसीलिए दिमाग नहीं काम कर रहा मेरा। छोड़ो छोड़ो, फसल फट गया। पहले बताओ मारोगे, थप्पड़ मारोगे कि नहीं? 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 सर छोड़ो भाई, तुम्हारे लेंगे सर, देख लेना। मेरे भाई की दे सर। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी होगी। गाइस, तो आज हम आराम से यहाँ बैठे हुए हैं, चल रहे हैं अभी प्रियंका के पास, देखते हैं प्रियंका क्या कर रही है। आ चुके हैं मैं, देखो रूम में प्रियंका, देखो ये देखो क्या कर रही है। क्या कर रही हो मोटू, क्या कर रही हो? ड्यूटी ड्यूटी नहीं जाना आपने? समय हो रहा है, देखिए कितना सो होगी भाई, जाना है, हम फिर छोड़ने वोड़ने नहीं जाएंगे, नहीं जा पाएंगे बाद में। कितना टाइम हुआ है? टाइम होने वाला है आधा एक घंटे का समय बचा है, अपना रेडी वेडी हो, फिर हम बाद में छोड़ने नहीं जा पाएंगे। अभी चलो गाइस, प्रियंका को छोड़ने भी जाना है अपने उनके ड्यूटी पर, जहाँ पर इनकी ड्यूटी लगी हुई है। तो जल्दी से कहता हूँ रेडी हो जाओ, रेडी नहीं हो रही, देखिए पता नहीं कितना नींद मेरा आदमी सही नहीं हो क्या? नींद आ गई, सोए तो थी रात, इतना नहीं सोया जाता, उठ जाओ। तो गाइस अभी क्या, अभी एक बजा है ना? हाँ तो एक बजा है, तो अपना तुम रेडी हो, तो अभी जाना भी तो है, तुमको छोड़ के आते हैं, मैं भी रिलैक्स हो। बिना टाइम छोड़ के आओगे क्या? अरे छोड़ना है ना, चलना नहीं है तुमको? तो चलना है तो एक बजे ही चले जाए, दो बजे की ड्यूटी है तो ठीक जमानो, तब जाना, हमको क्या करना। फिर मेरे से मत कहना कि छोड़ने चलो, ठीक है? जा यार, नहीं कहेंगे तुमसे छोड़ने चलो, छोड़ने चलो। देख लो बिना मतलब, गाइस बिना मतलब देखो गुस्सा हो रही है, इतना बिना मतलब गुस्सा हो रही है और कोई रीजन भी नहीं है। तुमको इतनी दूर छोड़ने में दिक्कत है? 5 किलोमीटर सिर्फ गाइस, स्कूटी है नहीं, स्कूटी चला पाती नहीं, एक बार चलाई थी तो लेकर के कहीं पता चले गन्ने के खेत में, बस साइड में था सड़क में, तो उसमें ठोक दिए थे, तो स्कूटी तो चली नहीं है, तब से स्कूटी नहीं है, तो स्कूटी तो है नहीं। हम इसे कहती चलो छोड़ने चलो इनको, अब रो रो चलो, इनको एक नौकर रख ले अपने लिए। रखा तो है। कौन नौकर? हम नौकर है, हम नौकर है, हम नौकर है, हम नौकर है, हमको बता रही नौकर। यार तुमको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, कोई इंसान सो रहा है टाइम से। पहले मैंने तुमसे क्या बोला था, 1:40 पे हम निकलेंगे, बता रहे गाइस हम नौकर हैं, ये सुन लो देख लो। गाइस ट्रेन कब उठ चुकी है, देख सकते हैं आप लोग, अब मैं इसको अभी रेडी हो जाने, जल्दी वर्दी उठी बना, फिर चलो छोड़ना चाहिए तो जल्दी से। यार बिना टाइम कैसे चले जाए, अभी टाइम नहीं हुआ है। अच्छा अभी समय नहीं हुआ तो चलो ठीक है, रेडी हो जाए तो बता देना, ठीक है? तुम मुझे मत छोड़ने जाया करो भाई, हम चले जाएंगे ऑटो ऑटो से। इतना यार नाराज क्यों हो रही, गुस्सा क्यों हो रही बिना मतलब भाई? नहीं यार 1-1.5 घंटे पहले बताओ, पहले ही जगा दिया, अभी थोड़ा सो लेते। मतलब थोड़ी देर भी नहीं सोने दिया, अभी तुम खाना ना खा के सोए थे। ज्यादा सोया नहीं जाता, ज्यादा नहीं, एक दो घंटे तो सब सोते हैं। कहा सुनियो, काक चेष्टा वको ध्यानम, क्या बढ़िया था गुरु। मेरी है इसका अपनी मतलब देखो, पढ़ो काग चेष्टा वको ध्यानम, समझे? यार वाकई बहुत अजीब इंसान हो, ऐसा इंसान हमने कहीं नहीं देखा। मतलब ड्यूटी की वजह, मतलब छोड़ने कितनी चिंता, क्या करोगे आके बताओ? बैठेंगे, आज तो तुम्हारी छुट्टी है, ब्लॉग एडिट करेंगे, बड़े से मजे काटेंगे और क्या, मस्त रहेंगे। ये घंटे ही पहले जगा दिया, दिमाग खराब कर दिया। पानी पूरी खाओगी? चलो हमको नहीं खाना पानी पूरी, चलो पानी पूरी खा, नहीं खाना हमको, चलो गोलगप्पे खाओगे? मत खाना तुम गोलगप्पे, जैसे हो भी देखो
सुन जी, ज्यादा ना बोला करो, ठीक है? हमको ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। जाए, तैयार हूँ परेशान आत्मा है ये जी, औरत बिल्कुल परेशान आत्मा। यार। सही, कभी कभी बिल्कुल मन नहीं होता है, मन करता है लेटे सोए, जैसे हाउस वाइफ रहती है ना वैसे रहने का मन हाउस वाइफ पुलिस वाली हो, हाउस वाइफ नहीं हो, करता है। सच में कभी कभी मन करता है आराम से थोड़ा एक मैं कह दिन। रहा हूँ पुलिस वाली हो, हाउस वाइफ नहीं हो, तो अपने जमीनी स्तर पे आ जाओ। घर में रहना हो तो बताओ भैया, नौकरी ना कराए होते। जो नौकरी नहीं करते वो लोग नौकरी करने के पछता रही, और जिनको नौकरी नहीं मिले वो लोग पछता रहे, जिनको मिल गए उनको दिक्कत। बात तो सही है। नहीं है ना, ये नहीं, अपनी नौकरी बहुत इज्जत करते हैं भगवान की कृपा से, हाँ तो मगर अपनी ये नौकरी नहीं सही कह है। रहे हैं, हाँ कह रहे कभी कभी मन करता है सोने का, ये कह रहे हैं। तो सोने का, पूरी रात सो, पूरा दिन सो, नौकरी के टाइम पर, जॉब के टाइम पर जॉब को, भाई सही कह रहे हैं कि नहीं, समझे? हाँ समझ रहे हैं सब। अच्छा, एक गिलास पानी ला दो फटाफट, जाओ। ये देख लो, अपने भाई को बुला लो वहां से, देहरादून से, अपने जा ला दे यार, एक गिलास पानी ला दो, पी ले, बहुत तेज प्यास भाई लग को रही है। बुला लो, कदर ले आए, ठीक है? यार तुम मेरे हर वक्त भाई को क्यों कहते रहते हो? हाँ तो उनको बुला लो, पानी देंगे आ नहीं तो करके, हर वक्त तुम्हारी उनसे जो उनसे कह दो ये यार, तुम जो क्या है पेंडुलम मेरे। है तुम्हारा, मेरे भाइयों पे क्यों अटकता हर वक्त है? क्या बिगाड़ा उन्होंने तुम्हारा? ओ इतनी अच्छी तो बहन दी है भाई, अपनी, साले साहब को बुला लो, आए पानी पिलाए बहुत अच्छी हैं, बहन दी है तुमको, उनका उनको भी शुक्रिया करो दिन रात सुबह शाम। तुमको भी पिलाएंगे, हमको भी पिलाएंगे, और क्या। अच्छा गाइस बताओ, साले आएंगे पानी पिलाना क्या गलत बात, हमको भी पिलाएंगे, जीजा को पिलाएंगे, दीदी को भी पिलाएंगे ना। हमको तो पिलाते हैं, जब मैं वहां जाती हूँ इतना अच्छा अच्छा बना के खिलाते हैं, इतना अच्छा अच्छा पिलाते हैं, हर चीज खिलाते हैं। बस और जानते हो, ये कभी नहीं कहते मेरे भाई कि अपने मन से ये जान जाते हैं कि क्या खाना है मुझे। एक दिन चाउमीन, बर्गर, पिज्जा सब कुछ खिलाते हैं, मेरे पास वीडियो भी है, दिखाएं आपको। गाइस, खाने के नाम पर देखो कि जुबान खुल गई, वैसे भी नहीं खुली थी, मतलब खा खा करके पूरा राशन किचन का खत्म कर दी है। अभी कल राशन भरा है, देख लो मुस्कुराहट, देख लो ये, देख लो 10 राशन बचा है इसमें कि नहीं बचा है, बताओ। देखा, खाने के टाइम पर बस तुरंत मुंह खुल जाता है इनका और इनके भाइयों का, वैसे नहीं बोलते ये लोग। देखो देखो देखो, ये लो मेरा देख लो, भाई कितना अच्छा अच्छा बनाता है, देखो। देखो खा खा करके पेट आज निकलने क्या लगा है, खाओगे देख लियो। खिलाओगे? आज मुझे खिलाएगा चौमी, ये दिखाने के लिए, ये देखो हमारे घर का खाने सैफ, के लिए, ये मेरे घर का सैफ ये है, देखो 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 देखो, मेरा भाई, पेट मेरा यहाँ अभिमान। पेट निकल आए, ये पेटू है। कोई बात नहीं, और ये दूसरा भाई मेरी सेवा कितनी करता है, देखो। जल्दी मेरा भाई एक नौकरी मिल उनको क्या दिखा रही हो, जाए, तुम जल्दी से भी भैया। मेरी सेवा कर दिया करो, समझे? हमको अरे कम से कम तुमको तो मेरी कदर करनी चाहिए भाई। कदर करनी चाहिए हमको। अच्छा तो हम नहीं करते हैं, तुम्हारे घर वाले भाई होते हैं यहाँ ये कदर मेरे करने। भाई आ गए यार, मेरे हम क्या कहें तुमको, कुछ नहीं कहना चाहते अब। हर वक्त मेरे भाइयों को ही पता नहीं क्यों कहते रहते हो, जब देखो तब। जाए तो वर्दी पहने। चले कल पे मार के देखे, एक बार देखे चल। बस हट जाओ यहां से, दिमाग ना खराब करो। हम बोलते नहीं, सो के उठे हैं ना, इसलिए दिमाग नहीं काम कर रहा मेरा। छोटा छोटा फसल फट गया, पहले बताओ, बहुत मारोगे तेज थप्पड़? लगता है, मारोगे कि नहीं थप्पड़? बहुत तेज लगता मारोगे है, कि नहीं बहुत थप्पड़? तेज लगता है। मारोगे कि नहीं थप्पड़? मारोगे कि नहीं थप्पड़? मारोगे कि नहीं? सर थोड़ा भाई तुम्हारे लेंगे सर, देख लेना नहीं उनको क्या। मेरे भाई क्यों दे शर्ट? फिर मारा। पागल आदमी। जाओ, हमसे नहीं बोलना अब, हम अकेले चले जाएंगे, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, हम जाएंगे अकेले। मतलब इसीलिए तुम गुस्सा दिखा रही हो इतनी देर से उठाने के चक्कर में? हम चले जाएंगे अकेले, कहाँ चली जाओगी, ड्यूटी चले जाएंगे अकेले, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, हम अकेले चले जाएंगे। गाइस? तो अब मैं चल रहा हूँ, प्रियंका को ड्यूटी पे छोड़ के आता हूँ अभी, रहने दो, हम और चले जाएंगे अकेले।
उनको ड्यूटी छोड़ाऊँ, वहाँ पे ड्यूटी पे लेट हो जाएगा तो फिर जानते हो प्रिंसिपल में बड़ी दिक्कत हो जाती है, रबड़ ली जाती तुरंत। ड्यूटी ऑन टाइम, जो भी टाइम है समय अनुसार जाना चाहिए। ये भी प्रियंका भी ड्यूटी समय अनुसार जाएगी, भी रेडी होने जा रही, मैं भी रेडी होकर के जा रहा हूँ, उसको छोड़ करके आऊँगा, आ करके मैं अपना ब्लॉग एडिट करूँगा, ब्लॉग एडिट करके आपके सामने मैं डाल दूँ। बस आप लोग थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट बनाए रखा करें, देखा करें, कमेंट भी किया करें और बताया करें कैसा लगता है आप लोगों का मेरा ब्लॉग। तो आशा करते हैं आप सभी लोग ऐसे इंजॉय करते रहें, मजे करते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। मार खा के जय श्री राम बोल रहे हैं। बाय बाय गाइस, बाय।